ओहो, ये दुर्गा की बच्ची कहाँ चली गई? हाँ? आप यहाँ हैं? मैं कब से आपको तलाश कर रही हूँ। इसमें वो लिखा है जो मैं कहना चाहती हूँ पर शायद कह ना पाती। जानती थी कि आदमी कभी किसी को अपनी जान से ज्यादा भी चाह सकता है। हाँ जय, यहाँ से जाते हुए ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरा दिल निकाल लिया हो। भगवान से यही दुआ है कि मेरी जान ले ले पर तुम्हारा साथ ना छूटे। मैं घर लौट रही हूँ, रोज सनसेट पॉइंट पे तुम्हारा इंतजार करूंगी। आओगे ना जय? सेवाराम जी, काम ठीक होना चाहिए जी। मालिक, अब आपने मुझे अपना मैनेजर बना लिया है तो समझ लीजिए किसी चीज की फिक्र की जरूरत नहीं। सेवाराम आपकी ऐसी सेवा करेगा कि रास्ते में कोई बाधा ही आई। सेवाराम तिवारी जी। जी, आपको सेवा का मौका चाहिए था ना, मिल गया। हाँ, जरा गाड़ी से बाहर निकलिए और जो ये पहिया खड्डे में अटका हुआ है ना, इसे बाहर निकालिए। एक काम करते हैं हुजूर, इस जीप को यहीं छोड़ देते हैं, मुश्किल से 4-5 कदम का रास्ता बाकी है, ठीक है? किसी भी चीज को बीच रास्ते में छोड़ देना हमारी फितरत में शामिल नहीं है, यह बात हमेशा याद रखना। सुनो, तुम कौन? हम चांगा है मालिक, इस इलाके के बीच आपके पिताजी का बहुत उपकार रहा हम पर। रहने को जमीन दिए, खाना दिए, हम आपकी खातिर अपनी जान दे सकते हैं और जरूरत पड़ने पर किसी दूसरे की जान भी ले सकते हैं। ठाकुर साहब, आजकल के रईसों में दान पुण्य की भावना बिल्कुल नहीं रही, उन्हें तो बस अपने शौक पर पानी की तरह पैसा बहाना आता है। यदि आप जैसे दानी धर्मात्मा की सहायता न मिलती तो इस मंदिर का निर्माण संभव न हो पाता। मंदिर तैयार कब तक हो जाएगा पंडित जी? इसी नवरात्रि तक ठाकुर साहब। लीजिए लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। जीती रहो बिटिया, परमात्मा तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। ठाकुर साहब, बिटिया रानी की कुंडली मुझे अब तक याद है, इनका विवाह इसी वर्ष हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, देख लीजिएगा
मेरी बात झूठी नहीं जाएगी। अच्छा तो अब आज्ञा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। माँ और बाप की नजरों में यही तो फर्क होता है। बाप की नजरों में बेटी हमेशा छोटी ही रहती है, जबकि माँ की नजरों में उसे बड़े होते देर नहीं लगती। अच्छा हुआ जो पंडित जी ने हमें याद दिला दिया, हमें अपने लिए एक बहुत अच्छा सा दामाद ढूंढना है। अच्छा बेटे, एक बात सच सच बताओगे? पूछिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। सुनो ना, क्या मेरा ये सोचना सच है? सच सच बताओ। आपका सोचना बिल्कुल सच है। आइए कुंवर साहब, आइए। आपकी उम्र बहुत लंबी है, मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। आप भी इनके बारे में सोच रहे थे? तब तो इनकी उम्र वाकई बहुत लंबी है, क्योंकि मैं भी इनके बारे में सोच रही थी। आइए। भवर सिंह जी, आपने तो हद कर दी, इतने दिनों कहाँ गायब रहे आप? आप राजगढ़ चले गई तो मैं यहाँ क्या करता? शहर में थोड़ा सा काम था, सोचा कि उसे खत्म करता हूँ। आप छोड़िए इन बातों को, आप पहले मुझे ये बतलाइए कि आपकी हर्डल रेस मुकाबले का क्या हुआ? मुकाबला तो हम जीत गए, लेकिन आपका वो जो तावीज है ना, वो हम आपको वापस नहीं लौटाएंगे, क्योंकि उस तावीज से जो हमने पाया है हम खोना नहीं चाहते। हम उस तावीज के बारे में बहुत सुपरस्टिशियस हो गए हैं। ये तावीज का क्या चक्कर है भाई? डैडी, पुजारी जी अभी आपसे जिस बात का जिक्र कर रहे थे ना, उसका और इस तावीज का एक बहुत गहरा ताल्लुक है। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे बहुत जल्दी है, मैं आपसे बाद में मिलूं। बाय बाय। दुर्गा जी मेरे आते ही चली गई। ठाकुर साहब, लगता है मैंने आपकी बातों में दखल दिया है। दखल दिया भी है और नहीं भी। आइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। दरअसल बात दुर्गा की शादी की हो रही थी। कुंवर साहब, एक जवान बेटी का बाप होना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये तो आप भी समझते ही होंगे। और क्या हुआ, ये अचानक कहां खो गए आप? आइए बैठिए ना। ठाकुर साहब, एक अर्ज है। फरमाइए। अगर आप मुझे इस काबिल समझें और आपको किसी किस्म का कोई एतराज ना हो, तो दुर्गा जी की शादी मुझसे कर दीजिए। कुंवर साहब, आपने बिना किसी झिझक के दुर्गा का हाथ मांग दिया है, और दुर्गा ने मुझसे लड़का ढूंढने से इनकार कर दिया है, मुझे इसका क्या मतलब समझना चाहिए? यही कि हम दोनों ने आपकी भारी जिम्मेदारी को हल्का कर दिया है। क्या बात है दुर्गा, क्यों इतनी गुमसुम बैठी हो? मुझे बहुत डर लग रहा है जय। डर? किस बात का डर? अगर हालात ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया तो? अच्छा एक बात बताओ। पूछो। एक पिता अपने होने वाले दामाद में क्या क्या देखता है? मेरा मतलब सिर्फ लड़के से है, उसके खानदान या उसके घर बार से नहीं। वो लड़के में यही देखता है कि वो अच्छा हो, शरीफ हो और कमाऊ हो। भले ही वो शक्ल सूरत से भद्दा और अकल से कंगाल हो। बाकी बातें बाद में, सबसे पहले तो वो शक्ल सूरत ही देखता है, और अगर दिखने में भद्दा हो तो शादी का सवाल ही नहीं उठता। और अकल से जीनियस भले ही ना हो, लेकिन जाहिल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर माने? फिर तो मेरे डैडी तुम्हें देखते ही रिजेक्ट कर देंगे। अब मेरा क्या होगा जय? क्यों रिजेक्ट क्यों कर देंगे? मैं तो सिर्फ शक्ल करुणा रो रही थी, तुम तो अक्ल से भी गए। दुर्गा के बच्चे। नहीं, नहीं।
जो होंठ झूठ बोले उनकी सजा जानती हो? उन्हें सच बोलने वाले होंठों से खामोश कर देना चाहिए। दुर्गा। वाह, होनहार बेटी हो तो ऐसी। दुर्गा, तुमने एक बाप की जिम्मेदारी का बोझ हल्का कर दिया। बेटी, तुम्हारी पसंद वाकई काबिले तारीफ है। थैंक यू डैडी। लेकिन आपको कैसे पता चला? ऐसे कि हम एक बुद्धू लड़की के बाप जरूर हैं, लेकिन बुद्धू नहीं है। जिस बात को तुमने इतना छुपाने की कोशिश की, उसे कंवर साहब ने जरा भी छुपाने की जरूरत नहीं समझी। तुम्हारे जाते ही उन्होंने तुम्हारा हाथ मुझसे मांग लिया। फिर? फिर क्या, हमें तुम्हारी मर्जी मालूम नहीं क्या? हमने शादी के लिए हां कर दी। गॉड, ये आपने क्या किया डैडी? मैं कंवर साहब से शादी नहीं करना चाहती। क्या, ये क्या कह रही है तू? मैं सच कह रही हूँ डैडी, मैं जय को पसंद करती हूँ। आप कैसे भी कंवर साहब को मना कर दीजिए प्लीज डैडी। कंवर साहब को मना कर दू? लेकिन हम उनसे वादा कर चुके हैं बेटा, और ये जय कौन है? मैं आपको जय से मिलवा दूंगी, लेकिन आप कंवर साहब को मना कर दीजिए डैडी प्लीज। कंवर साहब सिर्फ मेरे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। मैं उनसे किसी हालत में शादी नहीं कर सकती डैडी। प्लीज डैडी, कुछ कीजिए प्लीज। हाँ हाँ, लेकिन मैं तो समझा था कि तुम, और मेरा ख्याल है कि कुंवर साहब भी यही समझते हैं कि, पता नहीं कुंवर साहब इस बात को कैसे। ठीक है, ठाकुर साहब, आपको पूरा यकीन है कि दुर्गा जी मुझसे शादी नहीं करना चाहती? क्या बताऊं कुंवर साहब, ये बात दुर्गा ने ही मुझसे कही है। अच्छा ठाकुर साहब, मैं आपकी इजाजत चाहता हूं। कुंवर साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। प्लीज ठाकुर साहब प्लीज, आप मत शर्मिंदा महसूस कीजिए। आप मेरे बुजुर्ग हैं, बल्कि मैं तो आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे दुर्गा जी के काबिल समझा। ये दूसरी बात है कि दुर्गा जी ने मुझे अपने काबिल नहीं समझा। मैं चलता हूं ठाकुर साहब। नमस्ते। ये फूल हमारे लिए थे, कोई हमसे इन फूलों की खुशबू चुराने की कोशिश कर रहा है। तिवारी, पता लगाओ कि वो कौन है। जी